हाय फ्रेंड्स, तो हाजिर हैं हम आज आपके साथ एक और नया वीडियो लेके। आज हम चल रहे हैं देहरादून, इनफैक्ट उत्तराखंड का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आपको दिखाते हैं। मुझे लगता है अंदर जाना तो मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, लेकिन एक झलक तो आपको बाहर से दिखानी बनती है। देखिए यहाँ पर कितने लोग मतलब अभी इस टाइम पर एक्सरसाइज करने आते हैं। वैसे जब क्रिकेट स्टेडियम वगैरह बनता है तो उसके आसपास एक मतलब स्पोर्टिंग माहौल भी काफ़ी बनता है, ये तो मानने की बात है। आप आसपास देखिए, पूरा जंगल का एरिया है, बहुत ही सुंदर लोकेशन पे ये देहरादून का स्टेडियम बन के तैयार हुआ है। अफगानिस्तान का ये होम ग्राउंड भी है और अफगानिस्तान आयरलैंड के बीच में यहाँ पर वनडे इंटरनेशनल्स एंड टेस्ट क्रिकेट भी खेला जा चुका है। तो आप देखिए आगे आपके सामने ये स्टेडियम आपको शायद अब पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। डे नाइट मैचेस भी यहाँ पर हुए हैं अफगानिस्तान टीम के, एंड अफगानिस्तान टीम काफ़ी महीने यहाँ पर रह के अपना प्रैक्टिस सेशन करती थी बीच में। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस इंडिया के और बाकी कंट्रीज़ के देखने को मिलेंगे। अभी तो ये स्टेडियम वैसे बनके पूरा तैयार है, लेकिन आई थिंक जो भी छोटी मोटी डेवलपमेंटल इश्यूज़ होंगे उस पर भी इस टाइम पे इस पर काम चल रहा होगा। तो देखिए सामने अब आपके स्टेडियम आ गया है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी तो क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है तो कोविड केयर सेंटर यहाँ बना हुआ है, तो अंदर जाना तो बहुत मुश्किल होगा इस टाइम पे। तो बाहर से ही आपको एक झलक स्टेडियम की दिखाते हैं। इसको बोलते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उत्तराखंड। सो अब चलिए आपको थोड़ी अंदर की पिक्चर्स दिखाते हैं यहाँ के इनॉग्रल मैच जो हुआ था उसकी। ये कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ की इनॉग्रल मैच की। बहुत खूबसूरत पहाड़ और बहुत नेचुरल ब्यूटी सेटिंग्स में स्टेडियम बनाए। तो देखिए जैसे आपको आगे भी दिख रहा है काफ़ी जंगल की सेटिंग्स हैं। आगे आपको जो माउंटेन्स दिख रहे हैं ये मालदेवता का एरिया है, आगे टेहरी डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है माउंटेन्स के उधर की तरफ। और अभी तो मतलब कुछ क्योंकि कुछ स्टेडियम में कुछ मैचेस अभी चले नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो बाहर भी नहीं दिख रहा है। रोड्स में थोड़े थोड़े गड्ढे वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में जब उत्तराखंड की अपनी रणजी टीम भी बनी है और जब यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होंगे तो काफ़ी डेवलपमेंट हमें यहाँ देखने को मिलेगी, और एक अच्छा यहाँ के बच्चों को स्टेडियम में प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि इससे टूरिज़्म भी बहुत बूस्ट होगा उत्तराखंड का, क्योंकि जब ये स्टेडियम के आसपास आप देखते हैं तो बहुत बहुत सुंदर एरिया आपको देखने को मिलता है। चारों तरफ पहाड़ हैं, जंगल हैं। इनफैक्ट इन जंगलों में आप अगर इस टाइम पे रात के टाइम पे यहाँ पर अगर आते हैं तो आपको यहाँ पर हिरन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर हिरन है तो यहाँ पर उनका लियोपार्ड वगैरह भी आसानी से यहाँ पर रात को आते होंगे। फ़िलहाल तो आप देखिए कितने सुंदर नज़ारे आसपास आपको दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर एरिया है ऑल टुगेदर बोलने के जो आपको दिख रहा है सामने। और आगे जाके इस ये जो रोड है जो मेन रोड पर भी हम मिलेंगे, यही रोड जाके एयरपोर्ट की तरफ भी जाती है। सेकंड एयरपोर्ट के लिए रोड है, वीआईपी रोड भी इसको बोलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो उसमें भी मैंने एक दो वीडियोस बनाए हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के आसपास के, आप प्लीज़ जाके उनको भी देखना, आपको अच्छा लगेगा। और देहरादून कभी आप लोग आते हैं तो इस मालदेवता साइड और एयरपोर्ट जाने के लिए स्पेशली इस रोड को आप ज़रूर यूज़ करना, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। चारों तरफ पहाड़, जंगल और जो विलेजेस आसपास पड़ते हैं, बहुत सब कुछ बहुत सुंदर दिखता है यहाँ पर। तो यही है आज के इस वीडियो में। अभी ये जो हम मेन रोड में पहुँचने वाले हैं, इससे अगर आप राइट हैंड साइड में जाते हैं तो राइट हैंड साइड में जो ये रास्ता है ये एयरपोर्ट की तरफ चले जाता है, एयरपोर्ट के लिए चले जाता है। फ़िलहाल हमें जाना है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं देहरादून में की तरफ, और थोड़ा सा बगल में ही इसके महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज है बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू बैकयार्ड बैग्स इंडिया, और हम आपके लिए ऐसी कुछ कुछ वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू लाइक। थैंक यू।